योग को जो गौरव इस समय पूरी दुनिया का मेडिकल सिस्टम ये कहता है कि बीपी क्योर नहीं हो। मैं कहता हूं हमारे पत्रकार भाइयों के भी किसी किसी के पेट मुझे काफी अच्छे खासे सौभाग्यवान दिखाई दे रहे हैं। कोरोना के समय तो इतना सस्ता हो गया था, मैंने तो 35 बोला था, वो 25-30 में भी दिया। देश के पहलवानों का जंतर मंतर पर बैठना, और वह भी एक कुश्ती आयोग के अध्यक्ष पर दुराचार व्यभिचार करने के आरोपों के साथ, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। ऐसे व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। और वो रोज जो है मुंह उठा उठा करके मां बहन बेटियों के बारे में बकवास कर रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है, एक कुकृत्य है, एक पाप। देखो मैं बयान नहीं दे सकता हूँ ना, जाके पकड़ के ठोको तो नहीं। मैं सबसे जुड़ा हूँ, मेरी गहलोत जी से भी पूरा है। गहलोत जी से, गहलोत जी वाली को बहस खोल रखी है, कोई मुझे कोई बहस थोड़ी है। गहलोत जी भी अच्छे काम कर रहे हैं, उनकी भी बड़ाई करते हैं। जो अच्छे काम वसुंधरा जी की, उनकी भी हमने बड़ाई की। हम देखो राजनीतिक तौर पर हमारा किसी से बैर नहीं है। तो ये देखो, एक पॉलिटिकल विजन रखना एक अलग बात होती है, राजनीतिक रूप से कोई पक्षपात करना या राग द्वेष करना वो स्वामी है। अच्छे कार्यों को अच्छे लोगों को गौरव देना, राजनीतिक तौर पर मैं ना छोड़ा मुंहफट आदमी हूं, मेरे मुंह से कुछ गलत गलत तो नहीं निकलेगा, कुछ ऐसा ना निकल जाए कि 3 दिन का यहाँ पर राजनीति खड़ा हो गया। इसलिए आप राजनीतिक रूप से, मैं सब प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम हूँ, मैं कोई बौद्धिक दिवालियापन का शिकार नहीं हूँ, मानसिक रूप से बौद्धिक रूप से विकलांग नहीं हूँ, और एक विजन रखता हूँ देश के लिए। इसलिए राजनीतिक टिप्पणियां बीच बीच में करता हूँ, आजकल मैंने 99% को कम कर रखा है, जिससे कि मैं योग आयुर्वेद स्वदेशी का, शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था का और सनातन धर्म को विश्व में प्रतिष्ठा दिलाने के काम में ज्यादा फोकस कर सकूं, क्योंकि मैं राजनीतिक दृष्टि से कोई टिप्पणी करता हूं तो फिर मामला थोड़ा उल्टा पुल्टा होने लगता है, चारों तरफ भूचाल आंधी तूफान से आने लगते हैं। इसलिए रहते हैं अकबर महान, अरे महान तो महाराणा प्रताप है, महान तो छत्रपति शिवाजी है, महान तो हमारे वो पूर्वज है जिन्होंने शौर्य वीरता और जिनके सच्चरित्रता का इतिहास देश ने पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा, पूरी दुनिया में रामायण महाभारत की अब जो है चरित्र पढ़ाए जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ पर सच्चा इतिहास बोध नहीं होती, सच्चा इतिहास बोध होना ही चाहिए। ये जो सेकुलरिज्म के नाम पर जो पूरे देश में एक बौद्धिक आतंकवाद जो फैलाया जाता है वो ठीक नहीं है, इंटेलेक्चुअल टेररिज्म इसको कहता है। तो इंटेलेक्चुअल टेररिज्म, ये रिलीजियस टेररिज्म, ये पोलिटिकल टेररिज्म, ये कॉर्पोरेट टेररिज्म, ये बहुत तरह का है।